तो दोस्तों लास्ट टाइम मैंने दिखाया था कि GoPro 10 को अनबॉक्स किया था और ये रियल प्रोडक्ट है क्योंकि इसका जो सीरियल नंबर होता है वो GoPro की वेबसाइट पे मैंने अपडेट करके देखा था, तो रियल प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं इंडिया का पहला ऐसा बंदा होगा जिसके पास GoPro 10 का फुल ब्लॉगिंग सेटअप मेरे पास है। अगर आप देखें GoPro 10 का तो काफ़ी लोगों के पास ये चीज़ें हैं, किसी के पास स्टैंड है तो किसी के पास लेंस नहीं है, मीडिया मोड नहीं है, मतलब है भी तो कुछ कुछ आइटम है, बट मेरे पास जो है वो इंडिया का GoPro 10 का फुल ब्लॉगिंग सेटअप का पहला बंदा है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, तीन चीज़ें और भी मिसिंग है। सबसे पहला चीज़ जो लाइट है वो अभी आने वाला है, जो GoPro का लाइट मोड होता है वो अभी ऑर्डर मैंने किया है, रास्ते में है, वो भी आने वाला है। और डुअल बैटरी चार्जर वो भी अभी रास्ते में, वो भी आने वाला है। और एक चीज़ है जो सिंगल बैटरी है GoPro का, वो भी अभी रास्ते में है। तीन चीज़ें और आने वाली है, साथ ही आज जब मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो चौथा चीज़ भी आ जाने वाला है, जो कि ये सबको कलेक्ट करके एक में मैं रख सकता हूँ और मैं उसको ट्रैवलिंग में यूज भी कर सकता हूँ, जो कि है राइनोक्स का टैंक बैग, जो कि उसमें ये सारा चीज़ें आ जाएगा। वो आज डिलीवर होने वाला है, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट में आपको लगा दूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अभी हम इसमें बात करने वाले हैं कि क्या कुछ यहाँ पे है और कितना चार्ज मुझे लगा है। हो सकता है जो प्राइस है वो मैंने होमवर्क नहीं किया, कहीं पे मैंने नोट करके नहीं रखा है कि मैं देख देख के बता दूं, और जहाँ तक याद रहेगा वहाँ तक मैं बता दूंगा, कुछ गलत होगा तो आप मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसका जो प्राइस वाला स्क्रीनशॉट है वो आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। तो चलिए दिखाता हूँ क्या कुछ मेरे पास है ब्लॉगिंग सेटअप के लिए। और दोस्तों मैं जहाँ पे अभी ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसके बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा कि मैं कहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, क्या इसके पीछे भी छोटा सा स्टोरी। देखिए कोई भी कहानी होता है ना, उसके पीछे छोटा सा कारण होता है जिसको मैं स्टोरी बोल रहा हूँ, तो उसका भी है, तो वो नेक्स्ट मैं बताऊँगा, नहीं तो आप लोग भी बोलोगे भाई क्या स्टार्ट कर दिए। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं क्या कुछ है मेरे पास। तो यहाँ पर सबसे पहला मैं आपको दिखा दूँ GoPro 10। तो यहाँ पे देख सकते हैं GoPro 10 है, जो कि अपडेट इंस्टॉल मैंने किया था। तो इसमें इसके साथ क्या मिलता है मैं क्विक से बताऊँगा, पिछला बार मैंने आपको बता दिया है कि क्या कुछ है। तो ये बॉक्स हम खोलते हैं, ये खोलते हैं, बाकी मतलब सब ऐसे ही मैंने रखा है खोल खाल के। तो GoPro 10 इसमें एक माउंट मिल जाता है, एक चार्जिंग केबल मिल जाता है, और ये भी एक माउंट होता है हेलमेट में चिपकाने के लिए, और एक स्क्रू मिल जाता है इसको टाइट करने के लिए। ठीक है, इसका काम हो गया। ठीक है, और साथ ही इसमें आपको ये दो चीज़ें मिल जाता है, एक तो मैनुअल मिल जाता है और ये यहाँ पे स्टिकर वगैरह देखने को मिल जाता है, और कैसे यूज करते ये हो जाता है। जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि इसके पहले मैंने इसके बारे में बता दिया है, तो इसको मैं करता हूँ बंद। और ये मुझे पड़ा था, मतलब लगभग आप मान के चलिए कि 55,000 के आसपास मुझे ये पड़ा था, और ये मैंने डिजाइन इन्फो से लिया था, ऑफिशियल प्रोडक्ट है, 2 साल की वारंटी आपको इसमें मिल जाती है। साथ ही ये इसके बारे में बात करें तो ये मैंने अमेजोन से लिया था, 499 रुपये का फ्लेक्सिबल ट्राइपॉड, और साथ ही इसमें एक मोबाइल होल्डर माउंट टाइप का भी मिल जाता है, वो कहाँ गया। तो ये चीज़ें इसमें था, फ्लेक्सिबल ट्राइपॉड है, और 499 का मुझे ये पड़ा था, और इसके साथ में ही ये एक मोबाइल होल्डर देखने को मिल जाता है, और ये अमेजोन से मैंने लिया था, और ये एक्चुअली मैंने इसको ऊपर में लगाया, ये इसमें का था। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से मिलता है, साथ ही ये मोबाइल होल्डर मिल जाता है, यहाँ से आप अगर आप देखें तो यहाँ ये स्क्रू में इसको टाइट करके ऐसे यूज कर सकते हैं, मोबाइल लगा के अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी इसको यूज कर सकते हैं, और ऐसे ये टाइट हो जाता है। और यहाँ से अगर ये आप इसको लूज करेंगे तो ये आप 360 डिग्री में इसको घुमा सकते हैं, देखिए घूम गया और ये लूज हो गया है, यहाँ से आपको ये स्क्रू से टाइट करना होगा, ये टाइट हो गया। ठीक है, जितना आप अपने हिसाब से टाइट कर सकते हैं, और ये इस तरीके से ये हो जाता है, और कहीं भी ऐसे हो जाएगा। क्वालिटी देखिए मुझे तो लगभग ठीक ही लग रहा है, उतना भी अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ तो कंपेयर नहीं कर सकता, बट काम चल रहा अभी, आगे कोई भी अगर चेंज करूँगा तो उसके बाद कंपेयर में मज़ा आएगा कि क्या था उसमें और इसमें क्या था, बट अभी ये काम चल रहा है। इसमें भी एक चीज़ है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये घाट बना हुआ है, तो ये ज़्यादा डिस्टेंस तक जाएगा, ये थोड़ा सा ऐसे होता है जो कि थोड़ा सा कम है, यहाँ पर जा रहा है ये, और ये चीज़ यहाँ पे, ये थोड़ा सा ज़्यादा जा रहा है, तो दो लेयर मिला यहाँ पे, आप देखें तो थोड़ा सा ज़्यादा गड्ढा दिया हुआ है, यहाँ पे कम दिया हुआ है, तो ये चीज़ है, तो ये इसका खासियत था। तो इसको भी अब करते हैं साइड में। ठीक है,
और ये मैंने एक फ्रेंड के पास से लिया था, दुकान खुला हुआ है, नया खुला हुआ था बंदा। तो भाई ये एक 3-in-1 चार्जर केबल है, जिसमें एक पॉइंट मिलता है, जैसे ये आपका चार्जिंग पॉइंट में चला जाएगा। बाकी यहाँ पे अगर आप देखें तो तीन केबल मिलते हैं, तीन स्लॉट मिलते हैं, एक आईफोन चार्ज करने के लिए, एक टाइप सी, और एक होता है नॉर्मल चार्जर के लिए। टाइप सी मैंने लिया था कि एक बार में, मतलब ये लेने का कारण ये था कि अगर मैं इसको यूज करता हूँ तो एक बार में मैं अपना नॉर्मल जो मेरा पावर चार्जिंग का सॉकेट है वो लगा सकता हूँ, जिससे मेरा फ़ोन भी चार्ज होगा, और टाइप सी आपको गोप्रो एक्शन कैमरा में और गोप्रो डुअल बैटरी चार्जर में यूज हो जाएगा। तो इसलिए मैंने लिया था कि एक बार में दो काम हो सकता है, बट ये यूज़ नहीं कीजिएगा क्योंकि गोप्रो जल्दी हीट हो जाता है, तो फ़ोन में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये मेरे लिए फ़िलहाल के लिए तो वेस्ट है। इसके बारे में थोड़ा सा लास्ट में इसको दिखाऊंगा, क्योंकि ये बहुत तामझाम वाला चीज़ है, बहुत सारा प्रोडक्ट इसमें है। उसके बाद आ जाते हैं मीडिया मोड। देखिए, ये जो गोप्रो 10 है उसमें आप गोप्रो 9 का सारा एसेसरीज यूज कर सकते हैं। तो गोप्रो अब इसको भी अनबॉक्स करते हैं। ये भी मैंने मंगवाया था डिज़ाइन इन्फो से, प्राइस आपको स्क्रीनशॉट पे दे दूंगा। और यहाँ पे अगर आप देखें मीडिया मोड, और ठीक इसको नीचे में आपको यहाँ से आपको नहीं ओपन करना, नीचे में आपको दो ब्लैक टाइप के टेप मिलते हैं। ये सारा कुछ मैंने ओपन किया हुआ है तो आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे टेप मिलता है, यहाँ से आपको ओपन करना है और इसको खोल देना है। यहाँ पे आपको लिमिटेड लाइफ टाइम वारंटी मिलता है, इंडिया में तो वारंटी है नहीं इसको, गोप्रो के साइट से जाके आपको करना होगा। यूज़र गाइड मीडिया मोड का, तो ये यहाँ पे बताया जाता है कैसे खोलना है, कैसे लगाना है, सारा कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद ये एक विंड जो आता है उसको रोकने के लिए, हवा को रोकने के लिए, और ये मीडिया मोड है। इसमें ये मीडिया मोड लगा, मीडिया मोड है, और इसके साथ ही ये आपको मिलता है। तो ये इस तरीके से कुछ लग जाता है, और यहाँ पे आपका एक्शन कैमरा आ जाता है, और सारा कुछ। जैसे ये लगाने का फ़ायदा इसमें ये हुआ, अगर आप एक्शन कैमरा लेते हैं, एक्शन कैमरा में देखेंगे अगर, तो अगर आप एक्शन कैमरा देखें तो यहाँ पे आपको चारों साइड से, मतलब किसी भी साइड से आपको कुछ भी लगाने के लिए नहीं देखने को मिलता है। जैसा कि अगर आप चार्जिंग केबल भी लगाना चाहें तो नहीं लगा सकते हैं, माइक वगैरह के लिए एक्स्ट्रा में, एक्सटर्नल माइक के लिए यहाँ कुछ नहीं होता है। ये अगर आप इसका ये खोलते हैं, बैटरी खोलते हैं, तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा स्लॉट मिलता है, जहाँ से आप अगर मीडिया मोड नहीं है तो आपको ये 3.5 का जैक लगा के यूज करना पड़ेगा माइक। तो इसके लिए मैंने ये मीडिया मोड लिया था, मीडिया मोड ले लिया था। तो इसमें जो है मीडिया मोड में आपको स्क्रू, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से स्क्रू मिलता है, और यहाँ पे भी एक माउंट मिलता है गोप्रो का, यहाँ गोप्रो लिखा हुआ है और इस साइड में भी गोप्रो लिखा हुआ है, तो ये मिलता है। और इसको लगाने के, ये भी आप इसको खोल सकते हैं, ये वाटरप्रूफ नहीं होता, ये वाटर रेसिस्टेंट होता है, इसमें स्पीकर ख़राब हो सकता है, तो इसको वाटर में ज़्यादा यूज ना कीजिए। गोप्रो को आप 33 मीटर तक आप इसको वाटर में यूज कर सकते हैं। तो अब मीडिया मोड में लगाने के लिए आपको जो गोप्रो लिखा हुआ है इसके साइड में ही नीचे में आना है, इसी साइड से, मतलब अगर आप इस साइड से कर खोलेंगे तो सुविधा होगा, इस साइड से आपको ऊपर खींचना है, ये खुल जाएगा। और यहाँ पे अगर आप स्लॉट देखें तो इस स्लॉट में, उससे पहले आपको ये खोल के इस साइड से थोड़ा खोलेंगे, ये खींचते हैं तो बाहर आ जाता है, टूटेगा नहीं यहाँ पे क्योंकि कुछ लगा नहीं है प्लास्टिक, ये खुला हुआ है, बस यहाँ पे आपको पुट करना होता है। तो आप खोल देंगे तो यहाँ पे जो पिन है, इसी पिन में आपको ये जो पिन है ये जाएगा और ये सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे जैसा ये पावर का बटन दिया हुआ है, मतलब रिकॉर्डिंग के लिए, यहाँ भी रिकॉर्डिंग के लिए, इस साइड में मोड का तो इस साइड में भी मोड का है। अब इसको इस साइड में आपको डाल देना है अच्छे से, और इसको थोड़ा सा ये खींच के इसको लॉक कर देना है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए आपको एक तो माइक का मिल जाता है, माइक मिल जाएगा, यहाँ पे आपको माउंट मिल जाएंगे जहाँ पे आप माइक लगा सकते हैं, यहाँ पे लाइट लगा सकते हैं। अभी मैं माइक भी लगा के दिखाऊंगा कि माइक कौन सा है मेरे पास, और लाइट तो जो कि मैंने बताया कि लाइट अभी आ रहा है, रास्ते में है, बट और यहाँ से आप इसको खोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से कोई भी आप माउंट वगैरह लगा के, ऐसे लगा के आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हो जाता है मीडिया मोड। और साथ ही अगर चलें अब इसी का, तो इसको साइड में थोड़ा रखते हैं, इसको साइड में रखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास मैक्स लेंस मोड।
मैक्स लेंस का है कि इसमें जो व्यू है और इसमें जो व्यू है ये काफ़ी और ब्रॉड कर देता है, वाइड कर देता है। तो ये भी मैंने मंगवाया है, ये लगभग आपको 8-9 हज़ार के आसपास पड़ेगा। और यहाँ पे देखने को मिलता है वाटर प्रूफ, 5 मीटर तक ये वाटर प्रूफ है। मैक्स हाइपर स्मूथ देगा आपको, मैक्स टाइम वार्प देगा, हॉरिजन लॉक देगा। तो ये सारा कुछ आपको मिलता है। इसको भी ओपन करने के लिए आपको मैक्स सीधा लिखा हुआ है, आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पे आपको ये कट करना है। ये सारा कुछ मैंने यूज किया है, मतलब देख लिया है मैंने पहले ही खोल के। तो अब ओह गिर गया, ये ऐसे था, ये माइक इसमें का है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मैक्स लेंस मैनुअल मिल जाता है, यूज़र गाइड, और ये लिमिटेड लाइफ टाइम वारंटी का कार्ड मिल जाता है। प्राइस इस पे देखें तो 10,500 लिखा हुआ है, प्राइस लिखा हुआ है। और इस पे आप देखें जो मीडिया मोड है इस पे लिखा हुआ है 8,400 रुपये। तो अभी इसके साथ आप देखेंगे तो एक ये वाइप पोछने के लिए, साफ़ करने के लिए, और इस पे भी GoPro लिखा हुआ है जिससे आप इस तरीके से इसको साफ कर सकते हैं। तो इसको यहाँ रखते हैं। और इतना छोटा प्रोडक्ट है भाई, 10,500 रुपये का लेंस, और ये इतने बड़ा डब्बा में आया है। आया है बहुत बढ़िया, सेफ्टी है, देखने में भी लगे कि हाँ भाई 10,500 हमने खर्चा भी किया है। और ये लेंस कुछ मिलता है इस तरीके से, ऐसा लगता है जैसे सोना या डायमंड के दुकान में भाई रिंग खोल रहे प्रपोज करने के लिए, लो भाई। तो यहाँ पे सेप बना हुआ है, ये लेंस थोड़ा सा निकला हुआ है सामने, तो यहाँ पे जाके ये लग जाता है। और यहाँ पे भी ये एक कवर है जो कि दोनों साइड से इसमें सेफ्टी मिल जाता है। इस साइड भी देखेंगे तो डस्ट नहीं जाएगा, इस साइड से भी ना जाए, स्क्रैच ना हो, इसलिए यहाँ पे ये है। तो इसको भी अभी लॉक करते हैं। और यहाँ पे मैक्स लेंस मोड लिखा हुआ देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो अभी जो है, अब इसको हम खोलते हैं जो इसके साथ ओरिजिनल आता है। तो इसको खोलने के लिए आपको थोड़ा सा इधर करना होगा, फिर ऐसे खींच देना है इस साइड से ही खोल के। आवाज़ कर रहा भाई, लूज नहीं ना हो गया। तो इसको यहाँ पे रखते हैं, अब ये खुल जाता है, कुछ ऐसा देखने में लगता है। मेन ये है, इस पर आप टच वगैरह ना कीजिए तो अच्छा ही है, मैं तो अभी तक नहीं किया हूँ। और इसको अभी खोलते हैं, और इसको भी खोलते हैं। और यहाँ पे मैक्स लेंस जो है, यहाँ पे देख सकते हैं मैक्स लेंस मोड लिखा हुआ है, इसको लगाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा घाट टाइप का बना हुआ है, और इसमें भी दो घाट टाइप का आपको देखने को मिल जाएगा, ये बना हुआ है। और अब चारों साइड से ये बैठ गया, तो कुछ इस तरीके से होता है। आगे जो वीडियो आएगा उसमें मैं दिखाऊंगा इस जो GoPro के साथ आता है लेंस उसमें और मैक्स लेंस में, दोनों में क्वालिटी दिखाऊंगा कितना ब्रॉड आ रहा है, क्या कुछ है, तो वो नेक्स्ट में आपको दिखाऊंगा। तो ये है, अभी इसको मैं ओपन करके रख देता हूँ। अब जो नेक्स्ट है वो है बोया का माइक, अमेजोन से ये है, और प्राइस इसका लगभग 1500 के आसपास पड़ा है। और ये है वीडियो माइक है, जो कि है बोया का बाय MM1, जो कि बोया का MM1 माइक है ये है। और इसके साथ ये इस तरीके से कुछ मिलता है, ये लगा हुआ नहीं था, ये मैंने लगाया है, तो इसको लगा देना है। और इसके साथ में आपको मैनुअल एक मिल जाता है, बोया का स्टिकर मिल जाता है, और एक वारंटी कार्ड टाइप का आपको देखने को मिल जाता है। साथ इसमें एक पाउच मिलता है, काफ़ी ब्रॉड है, जिसमें ये तो इस तरीके से करके आप इसको डाल के रख सकते हैं। ये दवा मिलता है ख़राब ना हो, और इसमें एक ये जैक मिलता है। ये इसको यूज करने का सबसे पहले मैं बता दूँ, ये जो मुड़ा हुआ टाइप का है इसको आप कैमरा एक्शन कैमरा में यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें जो सीधा है स्ट्रेट है, इसको आप फ़ोन में यूज कर सकते हैं। तो अब इसको सेट करने क्या है, तो इसको मैं सेट करके दिखाता हूँ। और मीडिया मोड में यहाँ पे आप देखेंगे तो एक स्पीकर तो मिलता है, इस साइड भी माउंट मिलता है, यहाँ पे आप लाइट लगा सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मल वाला जो होता है वो केबल के लिए है, यहाँ पे टाइप सी के लिए है, यहाँ पे आप राउंड वाला माइक लगा सकते हैं। तो इसको लॉक करते हैं। और ये जो राउंड वाला है, मतलब ये तार जो मुड़ा हुआ है और ये जो टेढ़ा है, ये चीज़ जाएगा आपका इसमें बोया का माइक में।
और ये जो चीज़ है, ये जो खुला हुआ है यहाँ पे राउंड वाला, इसमें ये चल जाएगा और ये रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी इसको पूरा सेटअप करेंगे। और नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है एडेप्टर, 3.5 mm जैक जो होता है एडेप्टर है गोप्रो का। ये लगभग 4,500 के आसपास का है। ये मुझे पहली बार यूज़ कर रहा था तो मुझे पता नहीं था कि मीडिया मोड लेने के बाद ये यूज़ नहीं करना है। मैंने सोचा बाइक में यूज करने के लिए इसको लगाना पड़ेगा, बट ये अभी कोई इसका यूज़ नहीं हो पाएगा। बट अगर ये मीडिया मोड ख़राब होता है तब ये इसका यूज मेरे पास हो सकता है। तो ये लगभग मेरा वेस्ट है, फिर भी इसको सेफ रखना है क्योंकि इतना छोटा सा प्रोडक्ट का 4,000 लगा है। तो ठीक है, ये अभी हम साइड रखते हैं। अब यहाँ पे हमारा क्या बचता है, और बैटरी तो मैंने डाल दिया है, बैटरी और भी बैटरी आने वाला है। और साथ ही इसमें मैं बताता हूँ नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है, इसको रखते हैं यहाँ पे। ये सेंडिक्स का 256 GB का मेमोरी कार्ड है और ये A2 क्वालिटी का है, गजब का। इसे मतलब देखेंगे तो है, A1 आता है जिसमें जो थोड़ा सा वो हैंग करेगा, A2 है उससे थोड़ा और भी प्रोफेशनल है। और इसमें आप देखें सेंडिक्स एक्सट्रीम है, एक सेंडिक्स एक्सट्रीम प्रो आता है, वो इससे भी ज़्यादा दाम लगेगा और उसका काम भी वैसा रहेगा। और ये मुझे पड़ा था 3,000 रुपये का, और मैं सोचा था कि 512 GB वाला ले लूँ जो लगभग 7,000 पड़ रहा था। बट मैंने सोचा अभी काम चलाऊँ, पहले इसी को यूज करता हूँ। ये जो है मैंने अमेजोन से लिया था, ये 61 पीस इसमें है जो कि एक में आ जाता है। कम वाला भी मिलता है, ज़्यादा वाला भी मिलता है। ये लगभग 2,000 के आसपास का मुझे मिला था। इसमें काफ़ी सारा चीज़ मिल जाता है, तो धीरे धीरे एक एक चीज़ इसको मैं दिखाता हूँ खोल के। तो ये एक सबसे पहला है, आपको स्टिक मिल जाता है जो लगभग इतना लंबा दिखने में, लगभग ठीक ठाक इसमें है। और ये ऐसे करके मुड़ता है और यहाँ पे आप राउंड वाला लगा के और इसको लॉक करके भी इसको यूज कर सकते हैं, और यहाँ से घुमाने का इसमें रहता है। तो ये एक स्टिक मिल जाता है, क्वालिटी लगभग ठीक ठाक है, उतना भी अच्छा नहीं है, मतलब एक रफ एंड टफ होता है वैसा कुछ नहीं है। तो ये मिलता है, स्टिक मिलता है। यहाँ पे एक बैग मिलता है जिसमें आप अपना गोप्रो रख सकते हैं। यहाँ पे लेंस के लिए भी एक पॉइंट टाइप का, स्पेस टाइप का बना हुआ है। इसके अंदर इन्होंने स्क्रू डाल के दिया है, ये निकाल के आप इसमें गोप्रो रख सकते हैं। और कुछ माउंट मिल जाता है, जैसे ये सारा कुछ माउंट मिलता है, स्क्रू मिलता है, मतलब काफ़ी सारा प्रोडक्ट इसमें मिलता है। और मैंने इसलिए ये 61 वाला पीस मंगवा लिया क्योंकि इसमें मैं चाहता नहीं कि कुछ चीज़ें छूट जाए और बार बार मुझे लेना पड़े, इसलिए मैंने ये मंगवा लिया है। ये मिल जाता है, और यहाँ पे एक ये चेस्ट माउंट मिल जाता है जिसमें आप चेस्ट में लगा के यहाँ पे गोप्रो लगा के रिकॉर्डिंग कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद इसमें और भी माउंट मिल जाता है जो चेस्ट में लगाएंगे तो यहाँ पे भी ये माउंट लगा सकते हैं। तो ये सारा कुछ माउंट आपको मिलता है। अभी ये सारा कुछ देखिए, इतना सारा कुछ है, इसीलिए मैंने राइनोक्स टैंक बैग मंगवाया जिसमें मैं सारा कुछ रख सकता हूँ। अब इतना प्रोडक्ट के लिए अलग अलग मुझे रखना पड़ता है अभी फ़िलहाल। और यहाँ पे ये डेस्क कैम है जिसको कार वगैरह में यूज कर सकते हैं, ऐसे लगा के कैसे भी अपने हिसाब से तो यूज कर सकते हैं। ये खुल जाता है और ये चिपक जाता है, ये उठाएंगे तो ये लूज़ हो जाता है, ये चिपक जाता है। ये सारा कुछ है, यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये हो जाता है हेड माउंट जिसको आप माथे में लगा के रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। बाकी जो प्रोडक्ट है ना वो आपको जब मैं वीडियो ब्लॉग वगैरह बनाऊंगा उसमें देखने को मिल जाएगा कैसे क्या कुछ मैं लगा रहा हूँ। ये मिलता है गोप्रो को, आप इसमें अटैच करके पानी में यूज कर सकते हैं। इसमें एक ये रिबन मिल जाता है, ये माउंट मिल जाता है। तो ये माउंट को आप जो रिबन है उसको आप लगा सकते हैं और यहाँ पे जो है गोप्रो रख के वाटर में आप यूज कर सकते हैं। अगर गोप्रो आपका गिर भी जाता है तो गोप्रो का वेट नीचे जाएगा और पानी में ये ऊपर ही तैरता रहेगा, जिससे पता चलेगा भाई गोप्रो यहाँ है। और साथ ही इसमें यहाँ पे कोई भी आप इसका जो क्या बोलते हैं सेल्फ़ी स्टिक, जैसे ये सेल्फ़ी स्टिक है तो ये भी लगा के यूज कर सकते हैं पानी के अंदर भी। जैसे पानी के अंदर है तो आप ऊपर लगा के यूज कर सकते हैं, इसको टाइट करेंगे टाइट हो जाएगा। तो ऐसा ही कुछ है।
ठीक है, तो ये हो जाता है, सारा कुछ इसी में मिला हुआ है। ये वाइजर में लग जाता है, ये इसको चिपका के और ये माउंट वगैरह लगा के यहाँ पे ये वाइजर वगैरह में रख के आप इसको रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, या मतलब बाइक वगैरह में ही कहीं पे भी आप इसको लगा सकते हैं। देखूंगा मैं कहाँ कहाँ लगाऊंगा, उसके बारे में भी एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ये हो जाता है, उसके बाद ये काफ़ी सारा अमाउंट मिल जाता है, मतलब मैंने इतना मंगा लिया कि भाई दिक्कत ही ना हो। ये होता है बाइक के हैंडल वगैरह में, ये खोल के आप लगा सकते हैं, यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है और ये अपने हिसाब से यहाँ पे स्पेस है और ये टाइट कर सकते हैं, यहाँ पे माउंट वगैरह लगा सकते हैं। और इसमें एक अभी जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे एक ध्यान आया कि जो चीज़ इसमें है ना, मतलब उसका सेटअप करके ही इन्होंने एक सेपरेट कर दिया, जैसे ये प्लास्टिक में तो इसका क्या कुछ लगने वाला, ये एक अलग सेटअप हो गया। चेस्ट वाला में क्या कुछ लगने वाला अलग सेटअप हो गया, डैशबोर्ड में क्या लगने वाला कार में वो अलग सेटअप हो गया, जिसमें एक एक प्लास्टिक में करके इन्होंने दिया है कि बंदे को कन्फ्यूज़न ना हो, तो ये अच्छा लगा मुझे। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इसमें भी दो माउंट मिल जाता है एक्स्ट्रा में, अगर कुछ टूट वगैरह जाता है तो ये भी आप लगा सकते हैं, दो छोटे छोटे माउंट, मतलब माउंट का ही तो सारा खेला है भाई इसमें। तो ये एक माउंट टाइप का बैग में लगा सकते हैं, जैसे कपड़ा चिपकाया जाता है ना जब धूप में डाला जाता है सूखने के लिए, तो उसी तरह का है, इधर से दबाते हैं तो इधर से ये हो जाता है, तो इसको बैग में लगा के यहाँ पे लगा के रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद ये दो छोटे छोटे मिलते हैं चीज़ें, तो ये जैसा कि जैसे ये मेरा है ट्राइपॉड है, इसमें अगर आप देखें तो एक्शन कैमरा देखें, जो गोप्रो देखें, तो इसमें राउंड इस तरह का कुछ नहीं है कि आप लगा पाएँ। तो अगर ये छोटा वाला जो माउंट है इसके अंदर ये इस तरह का घाट बना हुआ है, तो ये इसमें टाइट हो जाता है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आप देखा होगा कि ये इसमें मैं लगा के था, तो ये खोल सकते हैं और ये जो नीचे वाला है इससे भी ये लूज और टाइट होता है, तो ये मैंने इसको टाइट कर दिया, यहाँ से भी हो गया, तो ये दो मिला हुआ है और ये कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं इसमें, अच्छा ये है हाथ वाला, यहाँ से खोलिए, ये हाथ में अगर आपका हाथ बिजी है तो ये हाथ में लेके ऐसे करके आप इसको लगा के यूज कर सकते हैं। बाकी इसमें एक बड़ा सा पाउच मिल जाता है, कुछ भी अगर सेफ्टी है तो हल्का फुल्का पानी से ये बचा लेगा, वाटरप्रूफ है। बाकी ये भी माउंट है, इसमें भी माउंट है और ये टेप 3mm टेप मिल जाता है, जिसमें दोनों साइड में गम रहता है, एक इस साइड चिपकाइए इस साइड चिपकाइए, दोनों साइड ये चिपक के रहेगा, ये हो जाता है। और इसमें भी वही चीज़ है, कुछ माउंट और ये कुछ 3mm टेप, और ये भी एक रिबन है चिपकाने वाला, इसको जो चिपकता है उखड़ता है वो है, क्या बोलते हैं भूल गया इंग्लिश में, उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। और ये मिल जाता है कुछ सेफ्टी के लिए, जैसे एक्शन कैमरा आपने हेलमेट में लगा दिया और अगर आपको डर लगता है, मतलब लगता है कि गिर जाएगा कहीं, तो आप ये लगा के और ऐसे लगा के इसको इसमें बांध के अपने गोप्रो को भी बांध सकते हैं, कि गोप्रो अगर हेलमेट से टूट के गिरता है तो ये भी चिपका रहेगा हेलमेट में, तो ये उसको बचा लेगा, तब तक आपको अपडेट हो जाएंगे कि हाँ भाई कुछ गड़बड़ हुआ है, तो आप बचा सकते हैं इसको। तो ये सारा कुछ मिलता है, तो बाकी क्या कुछ रहेगा डिटेल्स में वो तो यूज करने का टाइम होगा, और आगे भी कुछ अभी इसी से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ, बाइक रिलेटेड भी वीडियो अब आपको अच्छी क्वालिटी का मिलेगा, क्योंकि शोरूम जाऊँगा तो अब एक्शन कैमरा शूट करूँगा तो क्वालिटी तो अच्छा मिलेगा ही, क्योंकि वीडियो हिलेगा नहीं, और फ़ोन से बनाता था तो वीडियो हिलता था, तो ये कुछ इस तरीके से मेरा प्रोडक्ट है। और अगर वहीं इन सब का प्राइस के बारे में बात करें तो काफ़ी ज़्यादा ये प्राइस हो जाता है, और इसका मैं जो है प्राइस लगभग आप मान के चलिए कि 1,00,000 है, और भी कुछ प्रोडक्ट है जो मैं अभी आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, जैसे जिस पे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ वो स्टैंड माइक और भी कुछ है उसके बारे में आपको बताऊँगा, लगभग आप मान के चलिए कि 1,00,000 रुपये का मेरा ये पूरा ब्लॉगिंग सेटअप तैयार हुआ है। तो चलिए अभी अब इसको सबको कलेक्ट करके मैं ठीक करता हूँ, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, बाइक रिलेटेड वीडियो में या इसी रिलेटेड वीडियो में, तब तक के लिए राइड विथ बाइक।